अगर मैं आपको कहूं कि 90% लोगों की ज़रूरत नॉन इन्वर्टर एसी होती है, एक इन्वर्टर एसी नहीं, और हमारी मार्केटिंग अगर आप देखें तो वो 95% इन्वर्टर एसीज़ की होती है, तो आप इसको क्या समझेंगे? मैं आपको बताता हूं कि मैंने आज की डेट तक कभी भी इन्वर्टर एसी खरीदा नहीं और कभी उसे यूज़ करा ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि इन्वर्टर एसी मेरी और 90% लोगों की ज़रूरत में आता ही नहीं है। मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूं कि मैं कौन सा एसी यूज़ करता हूं जिसे मैंने इसी साल एग्जैक्टली 2 महीने पहले ख़रीदा है और मैं उससे काफ़ी खुश हूं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM-One। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक नॉन इन्वर्टर एसी का रिव्यू और ये भी साथ में बताऊंगा कि क्या आपको इस समय सितंबर के महीने में एसी खरीदना चाहिए, क्या उससे आपकी ज़्यादा सेविंग हो सकती है। देखते रहिए। इससे पहले कि जो एसी मैंने खरीदा है उसकी इंस्टॉलेशन से लेके एंड तक सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी पॉइंट्स बताता हूं बहुत जल्दी, जो आपके लिए एसी खरीदने से पहले जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ये एसी खरीदने का सही टाइम है कि नहीं। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं मिड ऑफ सितंबर में और इस समय एसी की रिक्वायरमेंट, एसी की सेल्स बहुत ज़्यादा कम होती है। हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि एसी को इस समय खरीदा जाए और ये बात हम सारे भी जानते हैं और ब्रांड्स भी, इसीलिए ब्रांड्स थ्रो अवे प्राइसेस पे एसीज़ को सेल करते हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दिसंबर में जब एसी का सीज़न आने वाला होता है तो ये बात ब्रांड्स को भी पता होती है, इसलिए वो थ्रो अवे प्राइसेस पे आपको एसीज़ उस समय नहीं बेचेंगे। आपका रूम अगर एयर सील्ड है, यानी आपके रूम में से ठंडी हवा बाहर नहीं निकलती छोटे छोटे गैप्स में से, तो भी, और अगर आपका एयर सील्ड रूम नहीं है यानी आपके रूम में से ठंडी हवा जगह जगह से बाहर निकलती है, इन दोनों ही केसेस में आप एक नॉन इन्वर्टर एसी लगा सकते हैं। लेकिन इन्वर्टर एसी लगाने के लिए आपको एक प्रॉपर एयर सील्ड रूम ही लेना पड़ेगा, यानी आपके रूम में इन्वर्टर एसी सिर्फ तभी कामयाब हो सकता है जब आपके रूम के चारों तरफ से ठंडी हवा बाहर ना निकल रही हो। आप कोई भी इन्वर्टर एसी लेंगे तो आपको 5 स्टार रेटिंग बहुत इजीली देखने को मिल जाएगी, लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर मैक्सिमम स्टार रेटिंग होती है 3। इसलिए कभी भी 3 स्टार से ऊपर आप अगर कोई एसी ले रहे हैं तो वो नॉन इन्वर्टर हो ही नहीं सकता। अगर आपका रूम या फिर ऑफिस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे है या फिर उस पे सनलाइट बहुत ज़्यादा देर तक पड़ती है टॉप पे या फिर साइड वॉल्स पे, तो आपको उस केस में सिर्फ एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, क्योंकि एक एसी सबसे पहले रूम की दीवारों और छत को ठंडा करने के बाद आपके रूम को ठंडा करेगा। एक इन्वर्टर एसी के अंदर सबसे पहले अगर ये काम होगा तो इन्वर्टर एसी की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और वो इलेक्ट्रिसिटी एक नॉन इन्वर्टर एसी की तरह ही कंज्यूम करने लगेगा। एक नॉन इन्वर्टर एसी उस केस में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा और आपके रूम को जल्दी और एफिशिएंटली कूल करके देगा। अगर आपके घर या फिर ऑफिस के पास के एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा लंबे या फिर फ्रीक्वेंट पावर कट्स लगते हैं तो उस केस में भी आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर एसी के अंदर लंबे या फिर फ्रीक्वेंट पावर कट्स ज़्यादा मिलने पे आपके एसी की पीसीबी खराब हो सकती है, जो आपके एसी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। एक नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर इन्वर्टर एसी की तरह 2 पीसीबी नहीं बल्कि 1 पीसीबी होती है और उस पे कोई भी ब्रांड वारंटी नहीं देता, एंड दैट इज कंप्लीटली ओके, क्योंकि वो पीसीबी नॉन इन्वर्टर एसी की खराब नहीं होती। और अगर वो बाई चांस कई सालों बाद खराब हो भी जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 5000 रुपए से नीचे ही होती है, विच इज वेरी अफोर्डेबल। जबकि इन्वर्टर एसी के अंदर अगर पीसीबी खराब होती है तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 15,000 to 25,000 रुपीज़ के बीच में आती है। इन सब बातों को देखते हुए मैंने अपने ऑफिस कम स्टूडियो, जो कि टॉप फ्लोर पे है, 2 तरफ से सन एक्सपोज्ड है और एयर सील्ड नहीं है, उसके लिए एक नॉन इन्वर्टर एसी ही लिया है, जो अब आप इस वीडियो में देखेंगे। मैंने मिडिया का ये वाला 1.5 टन नॉन इन्वर्टर एसी ऑनलाइन ख़रीदा था, क्योंकि सबसे अच्छा प्राइस इसका मुझे ऑनलाइन ही मिला। डिलीवरी होने के 6 आवर्स के अंदर अंदर ही मुझे कैरियर की तरफ से कॉल आई और इंस्टॉलेशन टीम नेक्स्ट डे ही मेरे पास पहुंच गई। इंडोर और आउटडोर यूनिट के साथ साथ आपको बॉक्स में अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर्स की कॉपर पाइप्स भी देखने को मिलेंगी, लेकिन इस स्टूडियो को बनाते समय मैंने अंडरग्राउंड कॉपर पाइप्स की फिटिंग पहले ही करा ली थी, इसलिए इन कॉपर पाइप्स को मैं यूज़ नहीं करूँगा। अगर आप एसी खरीद रहे हैं और 5 मीटर से ज़्यादा आपकी कॉपर पाइप की यूजेज है तो इंस्टॉलेशन टीम आपको एक्स्ट्रा कॉपर पाइप्स प्रोवाइड करेगी और उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेगी। सबसे पहले इंडोर यूनिट को ही इंस्टॉल करा जाता है और इस इंस्टॉलेशन टीम ने ये काम बहुत ही सफाई से कर दिया। अब बारी आती है आउटडोर यूनिट को लगाने की, जिसे लगाने के लिए आपको सबसे पहले आउटडोर यूनिट का स्टैंड खरीदना पड़ेगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप आउटडोर यूनिट स्टैंड एसी के साथ ही ऑर्डर करें और साथ में ऑर्डर करें एक स्टेबलाइजर, जो कि सब मैंने एक साथ ऑर्डर करके इंस्टॉलेशन टीम से ही इंस्टॉल करवाया है। मेरा ये स्टूडियो दिल्ली में है और यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्टेबलाइजर इज अ मस्ट फॉर ऑल दी एसीज। आउटडोर यूनिट को लगाने के बाद और उससे कॉपर पाइप्स को अटैच करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप होता है इन पाइप्स को वैक्यूम करना। वैक्यूम करने से इन पाइप्स में मौजूद हवा और मॉइस्चर बाहर आ जाता है और कंप्रेसर में सिर्फ रेफ्रिजरेंट रहता है। ये बात याद रखिएगा कि एसी के कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट ऑलरेडी मौजूद होता है और उसे किसी टाइप के टॉपअप की ज़रूरत नहीं होती। वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद कॉपर पाइप्स को आउटडोर यूनिट से ज्वाइन कर दिया जाता है और एसी इंस्टॉलेशन कंप्लीट। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन स्टेबलाइजर के थ्रू देने के बाद आप अपने एसी को ऑन करके टेस्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने भी किया और ये एसी मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बेहतर काम करता है। इस एसी में आपको 100% कॉपर कॉइल्स देखने को मिलेंगे और ये एसी डुअल फिल्ट्रेशन के साथ आता है, यानी इसके अंदर जो एयर फिल्टर लगा है वो डबल लेयर का लगा है। इसमें आपको एक फिल्टर क्लीन इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा और ये एसी एक डीह्यूमिडिफायर के साथ भी आता है, जो कि बारिश के मौसम में आपको बहुत काम आएगा। इस एसी के इंडोर यूनिट में एक डिस्प्ले दिया गया है, जो कि एग्जैक्टली हिडन डिस्प्ले नहीं है लेकिन प्रॉपरली रीडेबल है। इस एसी की खास बात यह है कि इसके अंदर एक ऑटो क्लीन फंक्शन भी है, जो कि मिडिया की वेबसाइट तक पे नहीं लिखा है। ऑन करते ही इस एसी के अंदर सबसे पहले क्लीन इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा और एसी सबसे पहले फिल्टर्स को क्लीन करके उसके बाद आपको ठंडी हवा देनी शुरू करेगा। बात करें रिमोट कंट्रोल की तो इसके अंदर आपको बैकलेट रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है, जिसमें सभी टाइप के ज़रूरी फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे और ये आता है लाइट ब्लू कलर की लाइट के साथ। ये लाइट बहुत ब्राइट नहीं है, जो कि होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे अपने बेडरूम में लगाने की सोच रहे हैं तो ये लाइट बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। इसमें आपको सभी टाइप के मोड्स, फैन कंट्रोल, टर्बो, टाइमर और स्विंग कंट्रोल देखने को मिलेंगे और ये एक अच्छी बात है। इस एसी की आईसी रेटिंग है 3.62 और ये एसी कंज्यूम करता है 1129 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर। लेकिन अगर आपको मिडिया ब्रांड पसंद ही नहीं है और आप कोई और ब्रांड का एसी लेना चाहते हैं तो आपके लिए है ये मेरी दूसरी ऑप्शन, जो कि एग्जैक्टली मिडिया एसी है, या फिर मैं ये बोलूँ कैरियर एसी है, लेकिन एग्जैक्टली वही आपको मिडिया एसी मिलता है। देखिए इसे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैरियर और मिडिया एसी की स्पेसिफिकेशंस में कुछ भी खास फर्क नहीं है, सिवाय कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के जो आपको कैरियर के इंडोर यूनिट में देखने को मिलते हैं, जैसे फॉलो मी फीचर और PM 2.5 और HD फिल्टर का इंक्लूजन उसके इंडोर यूनिट में। आईसी रेटिंग और पावर कंजम्पशन में भी कुछ खास फर्क नहीं है और नॉइज लेवल्स भी ऑलमोस्ट बराबर हैं। जो दोनों एसीज में फर्क आता है वो है वारंटी का। मिडिया एसी के अंदर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव, एक्स्ट्रा 1 ईयर की कंडेंसर पे और 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है ऑन दी कंप्रेसर, जबकि कैरियर एसी के अंदर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव और 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है ऑन दी कंप्रेसर। जैसा कि आपने देखा कि कैरियर और मिडिया एसी बिल्कुल सेम है, इन दोनों में बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलती हैं, सिवाय 1-2 फीचर्स के जो आपको कैरियर एसी में ज्यादा देखने को मिलते हैं। मैंने ये सब देख के, सोच समझ के उसके बाद मिडिया एसी खरीदा, क्योंकि मेरे लिए उन छोटे मोटे 2-3 फीचर्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि मैं अपने स्टूडियो कम ऑफिस को ठंडा कर सकूं, जो कि मिडेया एसी बहुत शानदार तरीके से कर रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कैरियर और मिडेया के अंदर की मशीनरी बिल्कुल सेम है। चॉइस एंड मनी इज कंप्लीटली योर्स। आपका पैसा है, आप डिसाइड करें कि इन दोनों में से आपको कौन सा एसी लेना है, अभी लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन मैं आपको एक और चॉइस देता हूं, क्योंकि एवरीबडी हैज डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। कैरियर और मिडेया एसी उन लोगों के लिए है जिनके घर या फिर ऑफिस के आसपास कोई भी ड्रेन या फिर सीवेज नहीं है, क्योंकि इन एसीज के अंदर जो कॉइल्स हैं उन पे किसी टाइप के केमिकल की कोटिंग नहीं हुई और सेडिमेंट और सॉल्ट इन पे इकट्ठा हो सकता है अगर आप एक ड्रेन के पास रहते हैं और इस एसी को खरीद रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर आप एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहते हैं तो आपके लिए है ये वाली ऑप्शन। ये है ब्लू स्टार का 1.5 टन नॉन इन्वर्टर एसी 2021 मॉडल। इस एसी के अंदर भी आपको वही सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो आपको मिडेया या फिर कैरियर एसी में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें जो एडिशनल चीज आपको देखने को मिलती है वो है एंटी कोरोसिव ब्लू फिन टेक्नोलॉजी, यानी इसके कॉइल्स और फिन्स पे एक ब्लू कलर के केमिकल की कोटिंग करी गई है जिससे उस पे सेडिमेंट और सॉल्ट इकट्ठा नहीं होगा। इस एसी की आईसी रेटिंग भले ही थोड़ी सी कम है कैरियर और मिडेया एसी के मुकाबले, लेकिन एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अप्रोक्सीमेटली वही पड़ेगी, 1124 यूनिट्स। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन्वर्टर एसीज खराब होते हैं और उन्हें आपको लेना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी नीड्स और पैरामीटर्स के अंदर इन्वर्टर एसी बिल्कुल खरे उतरते हैं तो इन्वर्टर एसी से अच्छी टेक्नोलॉजी और कोई नहीं है। लेकिन इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि अगर आप एक शॉप या फिर किसी कमर्शियल यूज़ के लिए एक इन्वर्टर एसी ले रहे हैं तो वो एक बहुत ही गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि इन्वर्टर एसी सिर्फ घर में लगाने के लिए बनाए गए हैं और उन्हें कभी भी कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं लेना चाहिए। अगर आप अपने घर के लिए इन्वर्टर एसी ले रहे हैं और एक अच्छा एसी लेना चाहते हैं तो आपको रेफर करने चाहिए मेरे एसीज के वीडियोस, या फिर आपको देखनी चाहिए मेरी रेकमेंडेड एसी की लिस्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। उसके अंदर मैंने वो सारे एसीज रखे हैं जो कि अच्छे हैं और उन्हें आप खरीद सकते हैं, लेकिन एक भी वो एसी नहीं है जिसे मैं रेकमेंड नहीं करता। आपको उसमें और नॉन इन्वर्टर एसीज भी मिलेंगे जिन्हें आप खरीद सकते हैं इन तीन नॉन इन्वर्टर एसीज के अलावा। एंड में दोस्तों आपको सिर्फ यही बात बोलूंगा कि अगर आप एक एसी खरीदना चाहते हैं इसी साल 2021 में और आपने प्लान किया था कि दिवाली सेल में या फिर दिसंबर में एक एसी खरीदेंगे क्योंकि ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है, तो मैं आपको अपने अनुभव या फिर एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि दिसंबर और दिवाली सेल से ज़्यादा अच्छे प्राइसेस आपको सितंबर या फिर ऑफ सीजन में देखने को मिलेंगे, बिकॉज दिस इज द ऑफ सीजन ऑफ एसीज। इसीलिए मैंने स्ट्रेटेजिकली प्लान करके आपको ये वीडियो इस समय दिखाने की कोशिश करी है ताकि आपको ये पता चल सके कि ये होता है सही टाइम एक एसी को डिस्काउंट पे खरीदने का। मैंने आपके साथ अपना एसी शेयर किया, आपको ये बताया कि मैं अपने ऑफिस और स्टूडियो के अंदर कौन सा एसी यूज करता हूं। आप भी ये करिए, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या एक नॉन इन्वर्टर एसी यूज करते हैं या फिर एक इन्वर्टर, और उसके कारण क्या है। और साथ में ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, उससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे एफिलिएट लिंक से लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और ऐसे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है, क्योंकि आप अगर मेरे लिंक से कुछ भी खरीदेंगे तो बिना आपके प्राइस को ज़रा सा भी चेंज करे हुए इस चैनल की फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। उससे हम इस टाइप का कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच। एक्सपीरियंस बोलना चाहिए यार, अनुभव को ज़्यादा हिंदी हो गई है ना, अच्छा लगता है सुनने में, अच्छा लगता है। चलो, अनुभव/एक्सपीरियंस। ओके, गुड। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, इससे बहुत ज़्यादा हमारे क्या क्या मिलता है, हमें मदद होगी। तू फोकस चेक कर यार, मुझे लगता है फोकस ख़राब होगा। नहीं, चलते चलते मैं थोड़ा आगे आया हूँ ना, अलग अलग। ये टीवी तो नहीं आ रहा ना इसमें? ओके, हटा दिया। हाँ ठीक है, वैसे भी Xiaomi का Mi टीवी सारे देखेंगे तो मज़ा ही आएगा। इट्स ओके, चलो।